जिस चीज को काली फोटो में भी खबर मिली है रिजवान भाई से, ये रास्ते और ये पहाड़ बिल्कुल पीओके में स्कर्दू ना। ओ यार वो फिर से गिर गया साला। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब, आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। सो आज हमारा काजा कंप्लीट हो रहा है यहाँ से, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापस दारचा के लिए। एंड अभी हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बिकॉज हमें आज की मॉनेस्ट्री जाना है। सो वहाँ अभी हमें आधा एक घंटा लगेगा, उसके बाद जाकर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी लगभग 11 बज रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से। सो अब निकलते हैं हम लोग आगे के लिए की मॉनेस्ट्री के लिए, और वहाँ से आगे अपना सफ़र बढ़ाएंगे और आप लोगों से मिलते हैं बाइक पर। तो ये रहा अपना होटल, निकलते हैं यहाँ से की मॉनेस्ट्री के लिए और मिलते हैं आप लोगों से आगे। हर एक चीज इसी पे लटकी हुई है, मेरा खाली है बस, मेरे पास दो बैग्स हैं। तो अभी हमें यहाँ नहीं जाना है इस ब्रिज से, क्योंकि हम आए इस ब्रिज से ही थे यहाँ के लिए। हमें सीधे आगे जाना है की मॉनेस्ट्री के लिए, और वहीं से हमें वापस मनाली का रास्ता भी मिल जाएगा। कुंजुम टॉप 78 किलोमीटर है यहाँ से। भाई देखो क्या प्यारी जगह है यार, और यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है भाई। अभी भी ठंड है यहाँ पर, बट नॉर्मल है धूप की वजह से, इसलिए ठंड नहीं लग रही। पर जैसे ही छाऊँ जैसा आ जाएगा ना, बहुत ठंड बढ़ जाएगी यहाँ। तो वो रहा अपना की मॉनेस्ट्री भाई। ये तो फील है, एक बहुत अलग सा फील है ये। और ये देखो घर यहाँ पर, मिट्टी के घर यहाँ पर बहुत सही है, बिकॉज सर्दियों में इन्हीं में रह सकता है बंदा, नॉर्मल वाले घरों में नहीं रह सकता। अभी ऊपर जाना है शायद, रास्ता होना चाहिए। यस रास्ता तो है। वाह यार देख रहे हो, जिस चीज़ को खाली फोटोज़ में देखा हो और उसको सामने से देखा हो, कितना मज़ा आता है भाई। मैं मेन चीज़ बताऊँ, मैं खाली यहाँ पर अगर काजा आया हो ना, स्पीति वैली आया हो ना, तो एक ही रीज़न की वजह से आया हूँ, खाली इस की मॉनेस्ट्री पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड साइज पोस्ट ऑफिस की वजह से आया था मैं यहाँ, क्योंकि मेरे को इन दो जगहों पर जाने का शौक था बहुत। तो हम लोग पहुंच चुके हैं की मॉनेस्ट्री। इसको ज़रा करीब से देखा जाए, क्योंकि बहुत टाइम से, 3-4 सालों से, खाली मेरी तरह बहुत लोग होंगे जिनने खाली फोटोज में ही देखा होगा ये। बाइक से ही लगानी है। ओके सो यहाँ लग चुकी है अपनी बाइक। तो अभी निकलते हैं आगे ऊपर के लिए। अभी बहुत थकने वाले हैं हम लोग, यहाँ से चढ़ाई बहुत है ना। वहाँ शुक्र कर हम सीढ़ियों से नहीं आए उस साइड से यार। हम लोग पहुँच चुके हैं ये मेन गेट पे, एंड यहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ पहले तो आप लोगों को। ये देखो फट गई है भाई। सो एरिया एंट्री यहाँ की, इन सीढ़ियों को अच्छी खासी, कम सीढ़ियाँ पर ट्रैकिंग काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ से अंदर, अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं यार। तो भाई अब हम इसको, अब मेरे को नहीं पता लेकिन सब ऐसे ही कर रहे थे, शायद यही क्लॉक वाइज होगा, यही है। देखो हम तो निकलते हैं यहाँ से बाहर,
पर अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, वीडियोस वगैरह बनाना अलाउड नहीं है। सो हम निकलते हैं, बाइक में मिलते हैं आप लोगों से। तो ये जो मोनेस्ट्री है ये 800 ईयर्स ओल्ड है। अंदर की वाइब बिल्कुल डिफरेंट है भाई, एक बार खुद आकर विजिट करो यहाँ पर तो ही पता चलेगा, बिल्कुल डिफरेंट वाइब, बहुत मज़ेदार। जुले सो जैसे हमारे वहाँ सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, यहाँ पर झूले, सो सबको झूले 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 बोलो यहाँ पर। हाँ तो भाई मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, बिकॉज प्यास बहुत लगी है और यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। सो ये भी मोनेस्ट्री, यहाँ से एक बारी बिल्कुल यहाँ पर आकर ट्राई करना यार, ज़रूर, बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत जगह है, ये सुकून वाली भी है, वाइब एक बहुत डिफरेंट है, अंदर का माहौल बहुत अलग है। तो अभी हम लोग की मोनेस्ट्री से निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, विजिट अगेन। तो यहाँ से ऊपर का जो रास्ता है ये किबर का है, और यहाँ से आगे चिचम ब्रिज 5 किलोमीटर है यहाँ से। सो ऐसे ऐसे गांव हैं यहाँ पर, बिल्कुल अलग अलग जगहों पे, और छोटे छोटे एक एक गांव में लगभग ज़्यादा ज़्यादा 10-15-20 घर होंगे, 10-10 घर होंगे। इक्किम वाली साइड भी 10 घर थे खाली उस गांव में, वो देखो सामने। सो भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं चिचम ब्रिज, ये रहा भाई, यहाँ से नीचे खाई क्या है भाई, ये देख रहे हो, इधर से दिखाता हूँ मैं, ये देखो यार भाई गंदी खाई है ये देखो। अब आगे मैं ब्रिज से दिखाता हूँ बाकी। ओ भाई अभी अभी खबर मिली है रिजवान भाई से कि ये एशियाज हाईएस्ट ब्रिज है, तो चलो चलते हैं एशियाज हाईएस्ट ब्रिज पे। ओ भाई बाप रे बाप, कितनी गंदी जगह है भाई, कितनी, और ये काफ़ी टूट चुका है बीच बीच से। मैं आगे बाइक लगा कर ना यहाँ पर आऊँगा पैदल, तो दिखाता हूँ। हेलो हेलो, सबका सही है, लेकिन यहाँ पर हमें रुकना था यार, हम तो यहाँ रुकना चाहते हैं। या मैन, हम काफ़ी टाइम से यहाँ रुके हुए थे, हमें बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले यहाँ पर, जो मिले हमसे बात की, महाराष्ट्र के लोग, यूपी के लोग, बहुत बढ़िया। और यहाँ से खाई दिखाने आए भाई, मेन खाई दिखाने आए आप लोगों को, यहाँ से आ जाओ। अभी मैं सीधे दिखाऊँगा, बट खाई ना यहाँ की ना फाड़ है भाई, लेट मी शो यू खाई गाइज। ओ ये देखो भाई गंदी खाई है भाई, ये इस साइड से दिखाता हूँ, इस साइड से सी भाई, बहुत खतरनाक खाई है, पता नहीं हमारा रिजवान भाई बोल रहा था मेरे को, अभी अभी इसने न्यूज दी थी, नई न्यूज दी, कहते कि वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है ये। सो बहुत तगड़ा है, बहुत अलग फील है, बहुत टूरिस्ट रहते हैं यहाँ पर इर्द गिर्द। और ये रहा पूरे इसका ब्रिज का व्यू, तेरा इधर नेटवर्क आ रहा है, यस। और यहाँ से खाई अगेन, ओके तो निकलते हैं। और ये थे हमें कुछ अच्छे लोग मिले थे यहाँ से महाराष्ट्र के, ओके बाय। बहुत मज़ा आया कि जब सीनियर लोगों का एक्सपीरियंस मिलता है ना, बहुत सही लगता है। इनको भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, इन लोगों से बात कर बहुत अच्छा लगा। तो अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से आगे चिचम ब्रिज से, ये चीज़ भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी, एक अलग फील है। तुम लोग भी जब यहाँ आओगे ना, मज़ा आएगा तुम लोगों को भी यहाँ पर बहुत। तो निकलते हैं चिचम से आगे के लिए, क्योंकि हमें एक यहीं बच गया भाई। और यहाँ से अभी लोसर है 34 किलोमीटर, एकदम से स्ट्रेट रास्ता है ये पूरा, बहुत बहुत जगहों पे ऐसे रास्ते मिलेंगे, बट ये रास्ते बहुत छोटे हैं, लेकिन एक अलग फील है रास्तों पे चलाने का बाइक, यस। हरा गांव है ये लोसर, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में एक गांव बसा हुआ है, देख सकते हो, वाह यार बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गाँव लग रहा है ये। और ये काफ़ी बड़ा विलेज अभी तक दिखा मेरे को, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी ज़्यादा घर है यहाँ पर,
बिकॉज अभी तक जहाँ जहाँ हम रहे हमने देखा इतने बड़े विलेजेस नहीं थे। और ये लोसर की मार्केट, हर एक चीज़ मिल जाएगी खाने के लिए यहाँ पर। हर एक चीज़ नहीं बोल सकता, हाँ चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन खा सकते हो। देखते हैं यहाँ अभी ये है चेक पोस्ट यहाँ पर, जहाँ पर काजा से आते वक्त, काजा के लिए जाते वक्त आपको एंट्री करवानी है। अब हमें नहीं पता, हमें दोबारा करवानी, दोबारा तो नहीं करवानी होगी जाते वक्त, पता नहीं। ओके तो यहाँ पर हमें फिर से एंट्री करवानी है। तो यहाँ पर लोसर में आते वक्त भी एंट्री करानी पड़ती है और जाते वक्त भी एंट्री करानी पड़ती है। सो व्यू का मज़ा लो और मिलते हैं आप लोगों से आगे जाकर। तो यही है, यहाँ से काजा से आते वक्त टाकचा से ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा, लोसर से 7 किलोमीटर दूर है ये। एंड जब आप मनाली वाली साइड से आते हैं तो आपको टाकचा पे सारा ऑफ रोड ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से आगे आपको काजा तक पूरा बढ़िया रास्ता मिलेगा भाई। और अगर आप यहाँ के लिए ट्रैवल कर रहे हो ना तो नाइट में थोड़ा ना इग्नोर करो, बिकॉज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नाइट में अगर करोगे ना तो रास्ता को समझ नहीं आएगा। तो इसलिए रास्ते को समझना है तो दिन में ट्रैवल करो, ताकि मज़ा भी आए। जैसे हमारी तरह रात में आए थे, हमें कुछ समझ नहीं आया रास्ता, और अब जाकर मुझे समझ आया जब मैंने काजा छोड़ दिया और अब कंटिन्यू ऑफ रोड है भाई, कच्चा रास्ता। लेकिन कच्चे रास्ते में भी मज़ा आता चलाने में। और यहाँ से अभी कुंजुम पास है 7 किलोमीटर। ओ यार ये गिर गया है यार, शिट फिर से गिर गया ये कहीं। हो कम ऑन, बिस्मिल्लाह, बस ठीक है। तो यहाँ पर यही चक्कर है, रास्ता बहुत छोटा है। हाँ ये देख लो, एक ही रास्ता है, एक ही गाड़ी निकल सकती है एक टाइम पे। कैसे गिरा ये तू? तो यहाँ पर साइड लगाने की वजह से ना थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई थी बाइक, क्योंकि इसको काफ़ी जगह देनी पड़ती है, ये बहुत चौड़ी बाइक है, इसको जगह देनी पड़ती है। साइड पे लगाई तो थोड़ा सा हल्का सा संभाल ली थी इसने, गिरने नहीं दी थी। सो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कुंजुम पास। यस यही है कुंजुम पास। वो ये रहा भाई अपना कुंजुम पास, लेकिन ये कुछ ज़्यादा प्लेन में, लेकिन बहुत ऊंचाई पे भी है ये। तो हम लोग निकल चले कुंजुम पास से बातल की तरफ, और यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़, और रिजवान ने खींच ली है बाइक और मुझे लगता है मुझे भी खींचनी पड़ेगी। शाम का टाइम है, बॉर्डर क्रॉसिंग ज़्यादा बढ़ भी सकती है तो फिर से सीन हो सकते हैं। तो अल्लाह वाले निकल चुके हैं हम, फिर से रास्ता खराब है भाई, यहाँ से निकलूंगा। ये शॉर्टकट लग रहा है मेरे को, अब वही वहां मिलना चाहिए रास्ता, वरना वो भाई कितना गंदा रास्ता है। ओ भाई ये तो नीचे मिल रहा है, ये खतरनाक। वो तो रिजवान मेरे से बहुत पहले निकला था, लेकिन मैंने शॉर्टकट पकड़ कर उसको पीछे कर दिया। और यहां से एक और शॉर्टकट, ये ये देख रहा, कहते तू कहां से पहुंच गया वहां। तो चलते हैं, आप सारी उतराइए यहां से नीचे के लिए बादल तक। ये रास्ते और ये पहाड़ बिल्कुल, मैंने वीडियोस देखी है पीओके में, स्कर्दू नाम है शायद से उस जगह का,
वैसी वैसी प्लेस लगती है पूरी भाई यार, वो नेक्स्ट लेवल लगती है। बिल्कुल सेम ऐसे ऐसे ही पहाड़ है वहाँ पर भी, एंड रास्ते कुछ इस टाइप के हैं। वीडियोस देखिए मैंने बट अब मेरे को पूरा नहीं पता, उसका नाम यही है कि नहीं देख लो रास्ते किस टाइप के हैं यहाँ पर, लेकिन बट वो भी डेंजरस लगते हैं और ये भी हैं हल्के फुल्के डेंजरस। लेकिन ऊपर से मैं तो नीचे से दिखा रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रास्ते थोड़े से सिमिलर टाइप है, वो ऑफ रोड है सारा, और यहाँ से जाते हैं चंद्रताल के लिए, बट हम आज नहीं जा रहे, हम फिर कभी आएंगे यहाँ के लिए बातल ब्रिज। ओ ये देखो चाची ढाबा पे बादल, तो ये इनकी सीटिंग है बाहर की, और अंदर की मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये मोटा वाला ले लो, ये बादल वाला अंदर काफी बड़ा है। बिल्कुल चूल्हे वाला गांव गांव वाला फील। सी ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है अपनी नानी वाली साइड आ गया हूँ मैं सही में। तो हम लोगों ने चाय चूहे पी लिया ने, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अपनी वाटर क्रॉसिंग की तरफ। ये देख लो जगह बहुत तगड़ी है, बहुत गंदा ऑफ रोड है भाई, बहुत गंदा। ये देखो वो, यस वो देखो क्या पहाड़ी पे बर्फ जमी पड़ी है, बहुत तगड़ी लग रही है। तो यहाँ पर पूरे रास्ते में वाटर क्रॉसिंग है, पूरे रास्ते में क्या हुआ शिट। ओ यार वो फिर से गिर गया साला, तो भाई लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे ना वो चीज आ चुकी है। मैं यहां से दिखाता हूँ कितनी लंबी है, देख लो यार अपने हिसाब से देख लो, लगभग कुछ नहीं 100-150-200 meters की है ये वाटर क्रॉसिंग उधर ऊपर तक। तो अभी तो मैं यहाँ रुकूंगा और उसके बाद निकलूंगा, थोड़ा पहले देख लेते हैं कि कैसा है आगे सीन। तो अभी जा रहा हूं मैं पानी का बाव देखने के लिए, और ये भाई सबसे पहले कर रहे हैं केरला के हैं। वहां पर पंगा है, आगे आगे चलो 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 जल्दी बस निकल जाने से, वहां कोई सीन नहीं होना चाहिए। वेट ब्रदर, तो भाई ने धक्का दिया, दब जाकर बाइक निकली, वरना नीचे ना मिट्टी है, वो बाइक फंसा रही है, इसका हमें देखना पड़ेगा इलाज कुछ। ओ वन मोर, कम ऑन कम ऑन, चलो 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 सीधे निकलो 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 निकलो, चलो 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 चलो, नाइस नाइस, निकलो निकलो निकलो, नाइस सही है। अब रिजवान की बारी है, उसके बाद मेरी आएगी, और यहाँ पर इंटरसेप्टर फिर से फंस गई भाई, वो देखो वो, ओ फक वही खड्डा है भाई असली। तो अभी रिजवान की बारी है, मैं यहीं रहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बाइक लाऊंगा लास्ट में सबसे। अब मेरी बारी है अल्लाह वाले, Thank you.
ओहो, कोई टेंशन नहीं है। सो काफी राइडर्स मिल चुके हैं हमें, एक ये, एक आगे, एक उसके आगे हैं बंदे। ये जो आगे बंदे हैं, जो एक आगे क्लासिक पे है वो यूपी नोएडा, एंड जो ये भाई हैं दिल्ली से, और जो वो आगे दो बंदे गए वो हैं केरला, एंड हम दोनों जम्मू कश्मीर के हैं, वो तो आप लोगों को पता ही है। भाई ये जगह सबसे खूबसूरत लगती है मेरे को, ज़्यादा खूबसूरत, बट आगे रास्ते इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, देख सकते हो रास्ते, नस चढ़ जाती है पीठ की, पता है पीठ पे ना नस चढ़ जाती है भाई यहाँ पर। अभी टाइम हो रहा है 7:40 और अभी भी हम उस रास्ते पे, पक्के रास्ते पे नहीं पहुंचे, अभी भी हमारा ऑफ रोड ही चल रहा है, तो देखते हैं अभी अभी मेरे को लगता है यहाँ से 10-15 मिनट अभी भी लगेंगे। तो फाइनली हम रास्ते पे आ चुके हैं, यहाँ से रोहतांग है अटल टनल 12 किलोमीटर एंड मनाली 45, सो अब देखते हैं अब हम कहाँ रुकते हैं। और अभी हम लोग पहुँचे अटल टनल के पास, और दो भाई नोएडा और दिल्ली दोनों जा रहे हैं। ओके तो अभी हम लोग पहुँचे हैं किलोंग से, किलोंग से लगभग 3-4 किलोमीटर पहले, और हम यहाँ रुक रहे हैं आज ताशी घटसल। सो अब बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग, अब हम लोग सोने जा रहे हैं, तो इस व्लॉग को करते हैं यही ख़त्म। हो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।